रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा में अभी आंसर की हो सकता है थोड़ी सी टाइम लग जाए, टेक्निकल रीजन से भी नहीं दिख रहा है जो शाम को दिख रहा था, लेकिन यहाँ बात करेंगे एनालिसिस कट ऑफ और संभावनाएं का। तो कुछ लोग बोलते हैं कट ऑफ एग्जैक्ट होगा क्या, तो नहीं होगा, अनुमानता है, केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं कि टेक्निकली क्या हुआ जब सीबीटी 1 का रिजल्ट पहली बार में आया था और रिवाइज में आया था, और ये है आरआरबी मुंबई। मुंबई जानते ही है 3 बोर्डों का एग्जामिनेशन लेता है, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और WR का। तो लोग बहुत लोगों के जानकारी नहीं होता कि मुंबई है तो ये अहमदाबाद वाला में भी आता है और आपका कुछ साइड भोपाल से टच करते हुए कर्नाटका वाला बॉर्डर के साइड में भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का आरआरबी के वैकेंसी है, उसको भी एनालिसिस करेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी मुंबई के अंदर है। तो एनालिसिस का मतलब ही होता है टेक्निकली जहाँ की वैकेंसी है उसको बताएं, कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, कैसे बढ़ा है, वही टॉपिक पे बात करेंगे। तो कुछ लोग का सवाल आएगा कि क्या बाकी आरआरबी का नहीं है, तो प्लेलिस्ट के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो जो आरआरबी का, मैंने 7वां आरआरबी है, बाकी आरआरबी की जो जो है मैं उसको प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए कुछ बातें कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी की संख्या 5754 है। अगर सेंट्रल रेलवे में बात करें, जो मुंबई का सेंट्रल रेलवे है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 4635 है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो 177 है, और WR रेलवे में इसमें बात करेंगे तो 942 है। कुल मिलाकर 5754 वैकेंसी है, लेकिन इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसको देख लें तो LP की वैकेंसी 1866 है, टेक्नीशियन ITI की वैकेंसी 3203 है, यानी 3203 है, और PCM की वैकेंसी की संख्या 685 है। ये वैकेंसी का रहा पूरा लेखा जोखा, अब इस वैकेंसी पे ही सारी सिलेक्शन होनी है, लेकिन इस वैकेंसी में कितने कैंडिडेट है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कैंडिडेट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ओल्ड रिजल्ट आया था उसमें 53,000 हुआ था, 53,074 कैंडिडेट पास हुए थे, लेकिन जब दोबारा रिजल्ट आया उसमें 1,15,060 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए। अगर नेट के टर्म में देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट बढ़ गए, यानी 61,980 कैंडिडेट दोबारा के रिजल्ट में पास हुए हैं। तो अब इस कैंडिडेट को हम पता कर ले कि किस में पास हुए हैं तो सारी कंडीशन हमारी क्लियर हो जाएगी कि कट ऑफ कैसा रह सकता है, एक अनुमान लग जाएगा। तो हम 61,980 को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जो CBT 1 का प्री रिवाइज में रिजल्ट आया था उसमें क्या कटअप था, और दोबारा रिजल्ट आया उसमें केवल क्वालिफाई रह गया है, कटअप नहीं क्वालिफाई रह गया है, जो 40, 30, 30 और 25 एक कैटेगरी वाई है, PWD कैंडिडेट के लिए 2% सभी कैटेगरियों में छूट है, एक सर्विसमैन के लिए यही कटअप था, लेकिन पुराना वाला में कटअप सबके लिए अलग अलग बना था, जितनी मेरिट बनी थी उसके अनुसार बना था। तो मेरिट को हम ढूंढ लेते हैं तो LP की सबसे पहले ढूंढेंगे तो LP में 2 पोस्ट है, अलग अलग नाम से है, 4 पोस्ट का है, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 अलग अलग है, लेकिन कटअप 2 ही दिया हुआ है, तो UR का अलग है, OBC का अलग है, SC का है, ST का। अब देखें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कटअप मिनिमम से ज़्यादा गया हो, सभी में मिनिमम से ज़्यादा गया है, यानी UR का 40 होना चाहिए था तो पहले ज़्यादा गया था 47.34, यानी 7.34 के जितने भी नंबर के कैंडिडेट हैं वो नए रिजल्ट में इंक्लूड हो गए। उसी तरह मैकेनिकल में भी 44 है, उसी तरह OBC में और 11.11 का डिफरेंस है, 49 का वो डिफरेंस है या 99 का, ये सारा कैंडिडेट दोबारा रिजल्ट में सम्मिलित हो गए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल AC में भी बढ़ गया है, AC में भी बढ़ गया है। तो कह सकते हैं कि इस वैकेंसी में जब दोबारा आया तो LP में पहले 15 गुना मौजूद थे, क्योंकि कटअप मिनिमम से ज़्यादा था, ध्यान दीजिएगा, और जब दोबारा रिजल्ट आया तो ये 15 गुना बढ़ के 17-18 गुना हो गया होगा, क्योंकि बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, क्योंकि कटअप के बीच में जो मार्क्स था वो सारे आ गए। तो कह सकते हैं यहाँ कटअप अगर पिछली बार ज़्यादा रहा था तो इस बार भी जो CBT 2 का रिजल्ट आएगा उसमें भी ये कटअप बनाएगा, इवन साइको के लिए बनाएगा और फाइनल मेरिट में भी बनाएगा, जो हर RRB से थोड़ी सी, अगर जिनमें कटअप कम गया है उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब रेशियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले जब एग्ज़ाम आया था तो उसमें रेशियो था 9.22, यानी एक पोस्ट पे 9 कैंडिडेट थे,
बहुत इजी कंपटीशन था, लेकिन जब दोबारा रिजल्ट आया तो दोबारा रिजल्ट में 19.99 हो गया रेशियो, जो कह सकते हैं कि 20, एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट हैं, इनमें कंपटीशन होगा। तो कुछ कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए हैं, कुछ का पेपर ख़राब गया है, किसी का टेक्निकल कारण और भी है, तो कुल मिला के कहें तो 20 में से एक दो कैंडिडेट कम भी हो जाए तो कंपटीशन लेवल 1:18 के आसपास है यहाँ पे। तो एक 1:18 में देखेंगे तो एलपी के लिए अनुमान लगा सकते हैं, अगर यूआर में आपको 50 के नंबर के समथिंग रहता है, दो नंबर प्लस माइनस, तो आपको साइको का कॉल आ जाएगा। अगर इससे थोड़ी ओबीसी में कहें तो दो नंबर एक नंबर छूट मिलेगी, एससी एसटी में 3-4 नंबर का छूट मिल सकता है बस। तो ध्यान दीजिएगा, 40 के पास नहीं यहाँ होने वाला है, 40 से प्लस माइनस अपने कैटेगरी में आप 5 से 10 रख लीजिएगा, हो सकता है किसी में थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो, यानी कुल मिला के कह सके कि ओवरऑल एलपी में कटअप बनेगी आपको साइको के लिए, और जब फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ भी कटअप बनेगा। अब टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो टेक्नीशियन आईटीआई की जब बात हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40 से 48, 30 से 43, 30 से 38 और एसटी में आप 25 से लेकर 33, यानी ऊपर वाले में जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है, फिटर मैकेनिकल वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे कटअप कम गया है, जहाँ पे वैकेंसी की संख्या कम है वहाँ पे कटअप ज़्यादा गया है। तो कह सकते हैं कि ऊपर वाले में कम कैंडिडेट पास हुए होंगे 15 गुना से, और नीचे वाले में ज़्यादा पास हुए होंगे, यानी दोबारा जब रिजल्ट आया तो इंक्लूज हो गया, तो यहाँ कटअप बन जाएगा दोनों के मिला के एवरेज। और मैं कटअप थोड़ी सी हिंट दे दूँ आपको, क्योंकि टेक्नीशियन का कटअप जिनका अच्छा पोस्ट है, यानी 25 से ज़्यादा पोस्ट है, पार्ट बी क्वालिफाई है, ध्यान दीजिएगा पार्ट बी क्वालिफाई है, तो नंबर अगर यूआर में 45 रहता है तो एक पॉजिटिव सिग्नेचर है कि आपके लिए साइन है, सॉरी सिग्नेचर नहीं, साइन है कि आपका हो सकता है। अगर आपका ओबीसी में 44-43 नंबर आ रहा है तो एक इंडिकेशन है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी है, कितनी 3200 वैकेंसी है, और इस आरआरबी में आप देखें तो एलपी की पोस्ट कम भी है, इसलिए एलपी में कटअप भी ज़्यादा जाएगी। टेक्नीशियन में इस बार सिलेक्शन में नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम है और वैकेंसी भी अच्छी है। तो 44-40 अगर कहें, 36-38 इसी रेंज में एक उम्मीद बनता है, और ये सारा नंबर रो मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, और कहीं कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कैलकुलेशन किसी को नहीं पता है, हो सकता है 45-55 भी हो जाए, हो सकता है 45-52 ही रह जाए, हो सकता है 45-48 ही रह जाए, तो कोई पता नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पीसीएम की, तो पीसीएम की बात करेंगे तो पोस्ट 685 ठीक ठाक है इस आरआरबी में मुंबई में, और कटअप भी एवरेज ही गया था, बहुत ज़्यादा नहीं गया था जब पहले रिजल्ट आया था। तो जब ये रिजल्ट 40 पे आ गया, 30 पे आ गया, 30 पे आ गया और 25 पे आ गया, तो कैंडिडेट शिफ्ट हुए इसमें भी, और इस रेशियो को कहें कि 23 से 24, 25, 26, 28 तक भी गए होगा, और कई जगह 50 पे भी गया होगा ये दोनों सिग्नल टेलीकॉम में। तो यहाँ भी अलग अलग टर्म में देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपको पता करना है, डिफरेंस क्या है, 40 से यहाँ 22 नंबर के जो कैंडिडेट होंगे तो बहुत आगे होंगे, तो करीब करीब ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ रेशियो करीब एक पोस्ट के लिए 60-65 कैंडिडेट का रहा होगा, अनुमान है, बिल्कुल अनुमान है, कोई एक्यूरेट नहीं है। तो अनुमान इसलिए लगा रहे हैं कि डिफरेंस सब आरआरबी से कम है, कई जगह पे 69 था, किसी पे 65 था, किसी 68 है, यहाँ पे 62 के समथिंग है, तो 60 रेशियो है तो कटअप तो बनेगा ही, लेकिन कटअप इतनी भी ज़्यादा नहीं होगा जितनी दूसरी आरआरबी में है। हाँ, कुल मिला के कह सकते हैं कि 60 प्लस स्कोर है तो एक उम्मीद होने की संभावना है यूआर के लिए, और बाकी के लिए इससे 2-5% कम ही जाता है तो कम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, अनुमान है। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी, आप दूसरे टर्म में बात करिए कि इसकी संभावनाएं क्या है, तो संभावना सबसे बढ़िया बेटर है यहाँ पे टेक्नीशियन आईटीआई के लिए। एलपी में थोड़ा कंपटीशन है और पीसीएम में बहुत कंपटीशन है, यही संभावना है, और उसी हिसाब से अगर आपने एलपी भी सेलेक्ट कर रखा है, टेक्नीशियन भी किया है, जब आईटीआई आपका है तब
तब आपके लिए अगर एलपी में नहीं होता है तो यहाँ पे टेक्नीशियन में होने की चांसेस ज़्यादा है। बस यही मेरा एनालिसिस था, संभावना था, और ये मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा एकदम बिल्कुल पर्सनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल से मैच करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता, बिल्कुल नहीं पता दोस्त, बस हम एक्सपीरियंस और डाटा पे थोड़ी सी आपका कैलकुलेशन बता रहे हैं, ऑफिशियल डिफरेंस हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।